ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात कही गई। बता दें, तृणमूल कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष फिलमोन टोप्पो ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विधानसभा 2024 चुनाव में तृणमूल कांग्रेस झारखंड में अपना प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में 30 से 35 विधानसभा क्षेत्र पर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के तर्ज पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ती है तो गठबंधन में 10 से 12 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ऐसे सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी जो बंगाल से सटा हुआ एरिया है। आगामी विधानसभा झारखंड में जो होने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए हम पूरे झारखंड में जो तैयारी किए हैं उसके हिसाब से हमारे उम्मीदवार तैयार हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जैसा कि हम लोग पूरे भारत में लोकसभा का इलेक्शन इंडिया गठबंधन के तहत लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में हम लोगों ने सफलता पाई है, इंडिया गठबंधन ने सफलता पाई है, उसे आधार पर झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के तहत ही विधानसभा का इलेक्शन होना तय हुआ है। किंतु अभी तक अन्य पार्टियों के द्वारा और इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इस पर ठोस मीटिंग नहीं हो पाई है कि सीट बंटवारे में कौन सा पार्टी को कितना सीट मिलेगा, लेकिन हमने TMC हो करके झारखंड में इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा तैयारी कर रखी है। और जैसा कि यहाँ का सीट है उसमें अगर वह इंडिया गठबंधन के तहत अगर लड़ाई होती है तो अलग सीट होगा, और इंडिया गठबंधन एक साथ होकर के अगर लड़ाई नहीं लड़ती है, इंडिविजुअल पार्टी अपने अपने तरीके से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो TMC भी झारखंड में 30 से 35 सीट पर विधानसभा का इलेक्शन लड़ेगी। और यदि इंडिया गठबंधन बैठ करके सीट निर्णय करने की बात अगर रखती है और उसी हिसाब से जैसा कि लोकसभा लड़ा गया अगर ऐसा होगा तो उस पर हम 10 से 12 सीट पर अपना अधिकार दबदबा रखेंगे। उसी तरह से हमने पूरे झारखंड में तैयारी की है। आज का मुख्य हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि हम झारखंड में आने वाले इस विधानसभा में सशक्त रूप से इलेक्शन लड़ेंगे।